जी हाँ दोस्तों, रिया चक्रवर्ती ने एक ऐसा इंटरव्यू दिया था जिसके बाद काफ़ी सनसनी मच गई थी सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर। उसी इंटरव्यू के बाद से काफ़ी बवाल मचा था, लेकिन उसमें कुछ बातें सही भी कही थी, लेकिन कुछ बातों पर काफ़ी संदेह भी पैदा हुआ था। लेकिन 8 जून का क्या वो रात थी जिसकी वजह से रिया ने सुशांत का घर छोड़ा था, तो ये बात आपको फिर से बताने वाले हैं, जहाँ पर रिया चक्रवर्ती के दिया हुआ बयान आपको पूरे उन्हीं के शब्दों में बताने की कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, रिया चक्रवर्ती ने कहा कि मई के मध्य तक सुशांत सिंह राजपूत कुर्ग शिफ्ट होने की बात कर रहे थे। उनके सपने थे शांति, खेती, पहाड़। हम दोनों का मानना था कि एक साल में इस तरह से एक फिल्म तो कर सकते हैं। 3 जून को फिर उन्होंने कहा कि मैंने एक डॉक्टर से कॉल किया और बात की, मुझे लग रहा था कि सुशांत फिर से डिप्रेशन में जा रहे हैं। इसके बाद सुशांत और डॉक्टर की बात हुई, यानी कि मई के मिड तक काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके बाद अचानक से सुशांत की तबीयत ख़राब होना शुरू हुई, तो रिया ने डॉक्टर को कॉल मिला के सुशांत से बात कराई। डॉक्टर ने जब बात करी तो उनको लगा कि एक्टर को दवा की ज़रूरत है और उस समय चल रहा था लॉकडाउन। तो सुशांत उनसे कहते हैं, यानी रिया से कहते हैं कि 1 जून से मुझे उनका घर जाने के लिए कह रहे थे, यानी कि सुशांत ने 1 जून से ही रिया चक्रवर्ती से कहना शुरू कर दिया था कि मेरा घर छोड़ के अभी अपने घर चली जाओ। तो फिर रिया ने आगे कहा कि मैंने उनकी हालत देखकर ये पता लगा लिया था कि वो ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मेरी हालत देखकर भी सुशांत को ठीक नहीं लग रहा था। ऐसे में 8 जून को मेरे डॉक्टर के साथ थेरेपी सेशन बुक किया था सुशांत के लिए। यह दिखाता है कि घर छोड़े जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, यानी कि उन्होंने साफ बताया कि सुशांत के इलाज के लिए उनके साथ रह रही थी, उनका ध्यान रख रही थी, लेकिन जब सुशांत ने ज़्यादा फोर्स किया तो उनके कहने पर ही घर छोड़ा। इसके बाद दोस्तों रिया के शब्द ये थे कि जब उन्होंने बार बार कहा कि तुम घर जाओ, तो मैंने कहा कि जब तुम्हारी गुरुग्राम वाली बहन नहीं आ जाती तब तक मैं नहीं जाऊँगी, यानी कि उनको ये लग रहा था कि जब सुशांत की बहन आ जाएगी तो सुशांत का इस डिप्रेशन भरे हाल में कोई तो ख्याल रखने वाला उनके साथ मौजूद होगा। लेकिन ऐसे में किसी को क्या पता था कि जब गुरुग्राम वाली बहन भी आ जाएगी तो 13 जून के दिन वो भी घर छोड़ के चली जाएंगी, फिर उसके बाद सुशांत अकेले हो जाएंगे और अकेले पाकर अपना ये बड़ा कदम उठा लेंगे, ऐसा खबरों के मुताबिक कहा गया। तो दोस्तों इसी वजह से रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का साथ छोड़ा था, सुशांत के कहने पर, जो खबरों के मुताबिक कही जा रही है। अब आपको दोस्तों रिया के इस बयान में कितनी सच्चाई दिख रही है, कमेंट सेक्शन आपके लिए है, कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट 9 लाइफ की रिपोर्ट।